हेलो माय ऑल डियर फ्रेंड्स, तो आज के हम वीडियो में पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। मैंने इससे पहले मतलब वीडियो बनाई है जिसमें आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सिंस और फॉर का कैसे क्या यूज़ करते हैं वो भी सिखाया है। तो अगर आपको जानना है कि सिंस और फॉर का यूज़ कैसे होगा, निश्चित समय में कौन सा है, अनिश्चित समय कौन सा है, तो इसके लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर देख सकते हैं और वहाँ पर आप जाएंगे तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सिंस फॉर का यूज़ करना सीख जाएंगे। तो मैं पवन सर आप सबका वेलकम वेक करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पवन सर कॉमर्स एंड इंग्लिश क्लासेस में। तो हमारा आज का टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, हम आज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में सीखेंगे, कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा, सेंटेंस कैसे बनाएंगे अफर्मेटिव नेगेटिव और इंटरोगेटिव के अंदर। तो आइए लेट्स स्टार्ट। तो अब हम आगे बढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर, तो हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में समझेंगे पहचान क्या है, क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी, कैसे क्या बनाएंगे। तो आए हम बोर्ड पर देखें, तो इसमें इंडिकेशन है सेम रहेगी जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की थी, मतलब रहा रही रहे के साथ में था थी थे का यूज़ होगा। क्लियर, हिंदी सेंटेंस में और वाक्य में निश्चित या अनिश्चित समय आपको दिया होगा। रहा रही रहे कॉन्टिन्यूस, था थी पास्ट, समय है निश्चित या अनिश्चित, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हेड आएगी का सभी के साथ यूज करेंगे, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या दिया जाए प्लूरल। वर्ब फॉर्म फर्स्ट, साथ में आईएनजी आएगा। टाइम सीन्स फॉर अकॉर्डिंग टू टाइम यूज करेंगे, निश्चित है तो सीन्स लगाएंगे उससे पहले और अनिश्चित समय है तो उससे पहले हम फॉर लगाएंगे। तो ये इंडिकेशन हो गई। अब इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे, अब हम अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव ये हम सेंटेंस बनाएंगे। सबसे पहले सेंटेंस जो बनाएंगे वो होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अब यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। स्ट्रक्चर भी है, हिंदी में सेंटेंस भी है, इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी है। सो देर किस बात की, आए स्टार्ट करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब हेड आएगी पास्ट में, वीन कंपलसरी है, वर्ब फॉर्म फर्स्ट आईएनजी, ऑब्जेक्ट सीन्स फॉर अकॉर्डिंग टू टाइम। जैसे लिखा मैंने, तुम्हारा दोस्त बहुत देर से बाहुबली फिल्म देख रहा था, पहचानेंगे था पास्ट, रहा रहे कंटिन्यूस का हो गया। फिर यहाँ पे लिखा बहुत देर समय दिया, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का हो गया। तुम्हारा दोस्त योर फ्रेंड हेड बीन वॉच आई एन जी वॉचिंग हुआ, बाहुबली मूवी फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये हमारा पूरा परफेक्टली आंसर हुआ, तुम्हारा दोस्त योर फ्रेंड, ठीक हेड लगाया, वीन है देखना, वॉचिंग हो गया, क्लियर। क्या बाहुबली फिल्म, तो बाहुबली मूवी या फिल्म लिख सकते हैं। बहुत देर से तो लॉन्ग टाइम, अनिश्चित तो उससे पहले क्या आ गया, फोर आ गया, इसीलिए योर फ्रेंड हैड बीन वॉचिंग बाहुबली मूवी फॉर अ लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट है, चौकीदार आधी रात से शराब पी रहा था, था पास्ट हो गया, रहा कंटिन्यूस का हो गया, आधी रात समय दिया तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का हो गया, सिंपल है। चौकीदार द वॉचमैन हुआ, हेड वीन ड्रिंक, ड्रिंक पीना ड्रिंकिंग हो गया, ड्रिंकिंग हुआ, ड्रिंकिंग क्या हुआ द वाइन हो गया, ड्रिंकिंग क्या हुआ ड्रिंकिंग द वाइन हो गया। सीन्स मिडनाइट, तो ये अफर्मेटिव हो गया। अब बनाएंगे हम नेगेटिव। तो अब इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, तो मैंने बनाया हुआ नेगेटिव में स्ट्रक्चर्स और नेगेटिव में दो एग्जांपल्स लिखे हैं। तो लिखा हुआ सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब हेड और थर्ड नंबर पर नोट आएगा, बिकॉज द सेंटेंस आर इन नेगेटिव फॉर्म। सो नोट हुआ वीन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आई एन जी ऑब्जेक्ट सीन्स फॉर अकॉर्डिंग टू टाइम, मतलब सारा स्ट्रक्चर एज पर दिस होगा अफर्मेटिव के, बस आपको नेगेटिव थर्ड नंबर नोट का यूज करना है। सो गाइस वी हैव टू एग्जांपल्स ऑन द वर्ड, द फर्स्ट एग्जांपल इज दैट लाइक अ सिंपल पुलिस 3 सालों से चोर नहीं ढूंढ पा रही थी। ऐसा नहीं है कि पुलिस चोर को ढूंढ नहीं पा रही थी, वो तो केवल मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आप ज़्यादा नेगेटिव ना सोचें क्योंकि आज की पुलिस काफ़ी एडवांस है। तो हमारे पास समझेंगे हम, तो थी पास्ट का हुआ, रही कॉन्टिन्यूस का हुआ, नहीं के लिए नेगेटिव हुआ और समय दिया है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो हम पुलिस के लिए द पुलिस का यूज करेंगे, द पुलिस हैड, नेगेटिव के लिए नॉट हुआ, बीन ढूंढना सर्चिंग होता है, सर्च आएंगी सर्चिंग हुआ, कब से 3 सालों से और किसको चोर को, तो अ थीफ फॉर 3 इयर्स। तो हमारे पास सेंटेंस पूरा हुआ द पुलिस हैड नॉट बीन सर्चिंग अ थीफ फॉर 3 इयर्स,
नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, आदमी सोमवार से बच्चों की देखभाल नहीं कर रहा था। था पास्ट, रहा कंटिन्यूस। क्लियर? नहीं के लिए हो गया नेगेटिव, और सोमवार दिया है तो ये हो गया समय, तो ये हुआ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का नेगेटिव। अब इंग्लिश में अ मैन हैड नॉट बीन ब्रिंग अप, देखभाल करना होता है तो ब्रिंगिंग अप हो गया। सो अ मैन हैड नॉट बीन ब्रिंगिंग अप किड्स सिंस मंडे। तो ये हमारा नेगेटिव के सेंटेंस हुए। नाउ वी विल डू द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो हम फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा लास्ट स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव का इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। सब कुछ एज पर दिस रहेगा, आप देख सकते हैं। पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, अकॉर्डिंग टू टाइम, एंड देन लास्ट वी विल हैव टू यूज क्वेश्चन मार्क इन राइटिंग टाइम। सो वी हैव टू एग्जाम्पल्स ऑन द वर्ड। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज लाइक दैट सिंपल। क्या कुत्ते 10 मिनट से भौंक रहे थे? कुत्ते भौंकेंगे, इंसान तो भौंकते नहीं है। ठीक, क्लियर हुआ? तो थे मतलब पास्ट का हुआ, रहे मतलब कंटिन्यूस का हुआ, टाइम दिया हुआ तो किसका हुआ? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। क्या पहले है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो ये हमारा हुआ इंट्रोगेटिव। कुत्ते टॉक से हैडी आगा, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो हैड डॉग्स बीन बार्किंग फॉर 10 मिनट्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नाउ सेकंड एग्जांपल, क्या तुम बचपन से नकल कर रहे थे? ये एग्जांपल मैंने एक काफी इंटरेस्टिंग रूप से लिया हुआ है। एक्चुअली में क्या होता है, जब बच्चे एग्जाम टाइम हो, चाहे स्कूल टाइम हो या कॉलेज टाइम हो, चीटिंग तो करते ही, जाहिर सी बात है करते हैं, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर क्या होता है, बार बार बच्चों को टीचर कहता है क्या तुम बचपन से नकल कर रहे हो, फलाना ढिकाना, तो वो एक सेंटेंस है, तो काफी अच्छा है। क्या तुम बचपन से नकल कर रहे थे? थे पास्ट, रहे कंटिन्यूस, बचपन टाइम दिया तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, क्या और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का हो गया इंट्रोगेटिव। एंड नाउ द आंसर इज दैट, सो हैड यू बीन इमिटेटिंग, चीटिंग नहीं, चीटिंग मतलब धोखा देना होता है। So had you been imitating since childhood, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या होता है, हम चीट भी लिखते हैं कि चीट मतलब नकल करना होता है, लेकिन चीट का एक्चुअली कहा जाए तो डिसीप की तरह, डिसीप का सिनोनिम्स होता है धोखा देना, और इमिटेटिंग काफ़ी एक अच्छा वर्ड है क्योंकि इसका स्पेशली यूज़ होगा। तो इस वीडियो में हमने आज आपको इतने बताया है, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पार्ट खत्म होता है, पूरा एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ शेयर्स करें, और फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।